सो हेलो फ्रेंड फास्ट सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज़ द ब्रेकियल प्लेक्स राइट तो ब्रेकियल प्लेक्स क्या होता है आपका आंसर क्या होगा ब्रेकियल प्लेक्स देखो सबसे पहले मैं बता दूँ ब्रेकियल प्लेक्स एक नाम है है ना इसको नेटवर्क ऑफ द नर्व बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नर्व अब यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्स ब्रेकियाई नाम का एक वर्ड छुपा हुआ है ब्रेकियाई मीन्स यहाँ पे एक रीजन होते हैं एंडफ्लेक्स मीन्स गुच्छा होता है है ना अब ब्रेकियाई मीन्स रीजन उस रीजन में आर्म के जस्ट एवब वाले रीजन जो होते हैं उसको ब्रेकियाई रीजन यहाँ पे बोल रहा है बट आर्म के एंटीरियर रीजन को ब्रेकिअल रीजन बोलते हैं ठीक है अब उसी वर्ड से यहाँ पे ब्रेकियल उसी वर्ड से रिलेटिव सॉरी इसी एरिया से रिलेटिव थोड़ा सा अपर जाओगे तो यहाँ पे ब्रेकियल आ जाते हैं और प्लेक्स मीन्स नेटवर्क हुआ ठीक है या गुच्छा बोल सकती हूँ तो गुच्छा है ना अब इसको हम नेटवर्क बोलेंगे तो नेटवर्क ऑफ द नर्व फाइबर क्योंकि नर्व फाइबर ही होते हैं ब्रेकियल प्लेक्स रियल में हम क्या बोलेंगे ब्रेकियल प्लेक्स मीन्स नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर अब ये नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर क्या होता है इन नेटवर्क ऑफ़ स्पाइनल नर्व यहाँ पर बोल रहा इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा इन नेटवर्क ऑफ स्पाइनल नर्व है ना मैंने नर्व फाइबर बोला यहाँ पे स्पाइनल नर्व बोल रहा तो मैं अब चलता हूँ डिटेल में ए नेटवर्क ऑफ स्पाइनल नर्व दैट ऑरिजिनेट इन द बैक ऑफ नेक ठीक है मैं बता दूँ आपको नर्व फाइबर टू टाइप के होते हैं एक यहाँ पे क्या है स्पाइनल नर्व है ना नेक्स्ट होते हैं पेरीफेरल नर्व तो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ स्पाइनल नर्व पे अब पेरीफेरल नर्व पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज हम लोग को डिस्कस क्या करना है ब्रेकियल डिस नेटवर्क ऑफ स्पाइनल नर्व दैट िजिनेट इन द बैक ऑफ नेक ये क्या होता है बैक ऑफ द नेक से ये ऑरिजिनेट होता है ठीक है एक्सटेंड थ्रू द एक जिला ये एक्सटेंड होते हैं थ्रू द एक जिला के रास्ते पास होगा एक जिला एक पिरामिड लाइक होता है उसी के थ्रू अपेक्स उसके नीचे बेस पे आएगा और वो भी कौन से वाल से अटैच होता है तो ज़्यादातर जो फाइबर होते हैं वो लेटरल वाल से अटैच होते हैं एंड गिव राइट टू नर्व टू अपर लिम ठीक है एंड गिव राइट टू नर्व टू अपर लिम बोल रहा है ये नर्व जो होते हैं किसको सप्लाई करता है तो अक्सर अपर लिम को सप्लाई करते हैं तो ब्रेकियल प्लेक्स ये अपर लिम को सप्लाई करता है अब ब्रेकियल प्लेक्स ये नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर रनिंग फ्रॉम द स्पाइन है ना ये स्पाइनल कॉर्ड है वहीं से ये ऑरिजिनेट होते हैं और ये नर्व ये सप्लाई होते किधर अपर लिम को फॉर्म बाय द वेंट्रल एंटेरियर रेमाई ऑफ लोअर फोर सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरेसिक नर्व रूट अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में चला गया ये बोल रहा है एंटेरियर रेमाई ऑफ लोअर फोर सर्वाइकल है ना एंड फर्स्ट थोरेसिक नर्व रूट तो C5 फाइव टू सी ये क्या हो गया लोअर फोर सर्वाइकल एंड T1 जो होते हैं ये फर्स्ट थोरेसिक नर्व हो गया तो यहीं से ये ऑरिजिनेट होते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें देखो अभी ये रियल डायग्राम है अब यहाँ पे देखो स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन दिख रहा इधर स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन दिख रहा है ये ये टोटल पोर्शन हुआ क्या स्पाइनल कॉर्ड या ये जो दिख रहा है इसको यहाँ पे भी ये पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड हुआ अब स्पाइनल कॉर्ड को इधर इधर क्लियर कट किया है इसमें अपर वाला जो डायग्राम है इस डायग्राम में तो इसमें पूरे क्लियर दिखाया है, है ना बट इसमें भी क्लियर है बट इसमें कुछ और है इसमें कुछ और है मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ अब देखो अब मैं फिर से बता दूँ सबसे पहले ये लोअर डाइग्राम पर आते हैं हम लोग हम लोग आते हैं लोअर डाइग्राम पर लोअर डाइग्राम पर देखो टू एम बोल रहा था एक डोरसर एम एक एंटेरियर एम तो एंटेरियर एम ये है एंड पोस्टेडियर एम ये होगा अब फिर हम लोग आते हैं यहाँ स्लाइड में क्या बोला था यहाँ पे इंटेरियर एम ऑफ लोअर फोर सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोड़ा सिग्नार में यहीं से ये ओरिजिनेट करते हैं तो हम लोग फिर आते इधर ये इंटीरियर एम इधर ही है इंटीरियर एम हो गया ठीक है ये वाले पोर्शन और ये पोर्शन यहीं से ऐसे, ऐसे ऐसे ये इधर आएगा फिर वन वन टू हो गया ये थ्री हो गया ऐसे ऐसे फोर होगा ठीक है ऐसे ऐसे फाइव होगा और ये एक दूसरे से ऐसे, ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं ये है, ये ऐसे कनेक्ट होते हैं ठीक है और फिर ये लोअर लिम में सप्लाई हो जाती है इधर जा कर ये लोअर लिम में सप्लाई होते हैं लोअर लिम मीन्स क्या एगिला प्लस आर्म प्लस फोर आर्म एंड हैंड तो इसी पोर्शन में नर्व हो जाते हैं नर्व सप्लाई हो जाते हैं और यही यही नर्व जो होते हैं यही नर्व का नाम आगे चल के आ जाता है मीडियन नर्व और नर्व एंड रेडियल नर्व तो नर्व यही है यही नेटवर्क अप नर्व है यही ब्रेक प्लेक्स है बट इसी का नेम आगे आकर चेंज हो जाती है तो फिर हम लोग देखो इस स्लाइड को मैं स्लाइड को क्लियर कर दूँ एक बार क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड इसमें आ, मिलेगा नहीं तो सबसे पहले स्पाइनल कोर्ड में होता क्या क्या है तो स्पाइनल कोर्ड में देखो यहाँ पे एक ग्रे कमीशर ये वाले पोर्सन को बोल रहा है ग्रे कमीशर ठीक है मतलब ग्रे मीटर ये है एंड ये वाले पोर्सन जो है ये वाइट मीटर है है ना वाइट मीटर एंड ग्रे मीटर टू मीटर से ही मिल बनते हैं तो ग्रे मीटर एंड वाइट मीटर अब फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे तो यहाँ पे तुम्हें देखने वाली पॉइंट ये है फिर इधर ये इंटेरियर पोर्शन हो गया ये पोस्टेरियर पोर्शन पोस्टोरियर मीडियन सल्कस बोल रहे हैं यहाँ पे इस पोर्शन पे है ना एंडी हियर एंटीरियर मीडियन सल्कस ये होते हैं स्पाइनल कॉर्ड इस टाइप से होते हैं ऐसा होते हैं बट ये ये रियल वाले स्पाइनल कॉर्ड है इसको इसमें भी थ्री लेयर दिखाया हुआ है वन लेयर टू लेयर थ्री लेयर अब ये लेयर को मैं एक्सप्लेन करूँगा बट पहले इसको एक्सप्लेन कर दूँ बिकॉज हम लोग अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं इस पोर्शन ये जो कट एरिया है ये कट एरिया ऊपर वाले पोर्शन है ये अपर वाले ठीक है तो हम लोग इसी को, को डिस्कस कर रहे हैं चलो फिर से हम देखते हैं यहाँ पे तो इधर एंटेरियर पोर्शन हेयर पोस्टेरियर पोर्शन और ये और ये क्या हो गया लेटरल पोर्शन तो ब्रेकिअल प्लेक्स इसी एरिया से दोनों साइड में पास होते हैं है ना अब फिर आते हैं देखो फिर इधर इसमें हॉर्न है ये और ये ठीक है डोर्सल हॉर्न एंड हेयर वेंट्रल हॉर्न वेंट्रल हॉर्न मीन्स और इधर एंटेरियर हॉर्न एंड हियर हियर क्या होगा यहाँ पे पोस्टेरियर हॉर्न तो ये पोस्टेरियर हॉर्न एंड हियर एंटेरियर हॉर्न अब इस टू टाइप से हॉर्न हम लोग देख लिए फिर देखते हैं वेंटर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व ये है वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व नहीं तो एंटेरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व जो इसी से ऑरिजिनेट होते हैं ब्रेकिफ्लेक्स एंड हियर डोर्सल रूट ऑफ़ स्पाइनल नर्व जैस इसके जस्ट इंटेरियर थोड़ा आओगे तो यहाँ पर डोर्सल रूट गैंग्लिया होते हैं ठीक है तो गैंग्लिया टोटल में नहीं होते हैं बट कुछ थोड़े नर्व फाइबर है जिसमें गैंगलिया होते हैं मैं उस पर डिस्कस करूंगा बाद में न्यूरोनाटॉमी के अंदर बट यहाँ पे याद कर लो गैंगलिया टोटल में नहीं होते ठीक है अच्छा नेक्स्ट आते हम लोग फिर अब हो गया इस डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुम भी देख सकते हो एक डायग्राम को इस इसमें फिर आते हम लोग अपर वाले इस फिगर में ठीक है तो इसमें तो ऊपर वाले को मैंने एक्सप्लेन कर दिया अब ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये पोर्शन मतलब वाइट मीटर का पोर्शन जो दिख रहा है ये तो ये मीटर ये एक थ्री टी डाइग्राम है अब इसको ये कवरिंग होता है थ्री लेयर से ये कवर होते हैं तो फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर एंड हीयर थर्ड लेयर तो इन तीनों लेयर का नाम होगा सबसे पहले क्या होता है ड्यूरा मीटर ठीक है और एक ये ड्यूरा मीटर और एक नोएड मीटर एंड हीयर क्या होगा पायोमीटर तो थ्री लेयर से ये टोटल ये बनते हैं अच्छा अब मान लो लोअर वाले डाइग्राम हम लोग इस डायग्राम में आते हैं ठीक है ठीके? तो लोअर वाले डायग्राम में हम लोग फर्स्ट को क्या मान लिए पाया इसके अराउंड में क्या होगा ये एरेक्नोइड मीटर इसके अराउंड में क्या होगा इसको ले लेते हैं इसको ड्यूरा मीटर तो इस टाइप से मीटर से कवरिंग होता है क्या स्पाइनल कॉर्ड रियल में जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो थ्री लेयर से कवरिंग होते हैं इसमें पाया मीटर क्लियर नहीं दिखते हैं बट एरेक्नोइड मीटर ये वाले पोर्शन और ये वाले पोर्शन पूरे क्लियर दिखेगा तो फिर से हम लोग अब देखो तो ड्यूरा मीटर एरक्नाइड मीटर एंड पाया मीटर अब यहाँ पे फिर ये ब्लड वेसल सप्लाई दिख रहा है इधर ये इस पोर्शन में तो इसको ये ब्लड वेसल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं इसको ठीक है डिटेल में हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे अब फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं ठीक है तो देखो वहीं है वही पॉइंट है सब जो भी नाम दिया सब पूरे वहीं हैं अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है और इस्पाइनल नर्व ठीक है यही पोर्शन ये यह सब पोर्शन स्पाइनल नर्व है मतलब ये स्पाइनल नर्व तो ये पैनल नर्व पैन एस एस स्पाइनल नर्व होते हैं फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो अब देखो इस डायग्राम में तो यहाँ पे क्या होते हैं कि बच्चे देखो ये पोर्शन क्या दिख रहा है अपर वाले पोर्शन ये पोर्शन है यहाँ पे ये यही पोर्शन एक है इसी रीजन से क्या होते हैं एराइज होते हैं नर्व फाइबर ब्रेक का इसी रीजन को हम डाइसेक्शन करेंगे तब मिलेगा अब ये कौन सा ट्रेंगल है तो पोस्टेरियर ट्रेंगल है पोस्टेरियर तो ट्रेंगल को अगर डाइसेक्ट करते हैं तब यहीं पे मिलते हैं क्या ब्रेकिंग प्लेक्स हियर क्या है एंटेरियर ट्रेंगल ये दिख रहा है यहाँ पे एंटेरियर ट्रेंगल बट ये क्या है पोस्टेरियर ट्रेंगल अब पोस्टेरियर ट्रेंगल को जब डाइसेक्ट करते हैं तो वहीं पर दिखते हैं नेक्स्ट आते हैं अब ये इस इंस्टाग्राम पर ये डाइग्राम पे अब यहाँ देखो सी फाइव सी फाइव सी सिक्स सी सेवन सी एट एंड टी वन यही है मेन नर्व रूट तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव है ना टोटल फाइव नर्व रूट है जो यहीं से ये एराइज होते हैं फाइव है, ठीक है और इसके बीच में यहाँ पे इस वर्टिब्रल एरिया के बीच में इस टोटल पोर्शन में क्या है प्रेजेंट है इस लोकेशन में तो इसमें स्पाइनल नर्व होते हैं है ना सॉरी स्पाइनल कॉर्ड होते हैं अब फिर से मैं एक डायग्राम बना कर बता दो तुझे एक देखो रियल में हम लोग मानते इसको ये स्पाइनल कॉर्ड हो गया है ना उसके बाद क्या होते वर्टिब्रा एरिया होते इधर से क्या हो गया ये वर्टिब्रल एरिया और इसके आगे क्या होगा ये इधर वाले पोर्शन ये क्या हो गया बॉडी फिर यहाँ पे एक इधर क्या होगा ये स्पाइनल प्रोसेस एंड हियर ये भी स्पाइनल प्रोसेस ठीक है अब यही है ये पोर्शन चाहे ये बोलो ये पोर्शन इसी में होते हैं स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर लेयर होते हैं वो भी थ्री लेयर है तो वो भी इसी में है वन लेयर टू लेयर थ्री लेयर फोर लेयर इसी में होगा ठीक है इस स्पेस सॉरी इस स्पेस के अंदर ही होगा तो यहाँ पे देखो मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे तो ये ये पोर्शन किधर है ये इसी रीजन में, में है इसी पोर्शन में है ना तो यहाँ तक तुम लोग समझ गए होंगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर यहाँ पे एक ये आर्ट्री है तो आर्टरी इसको राइट ब्रेक ट्रंक बोलते हैं थोड़ा सा लोअर जाएंगे तो यहाँ पे नाम क्या होते हैं इसका लोअर पोशन जाएंगे तो ये एराइज फ्रॉम ऑफ अटा ठीक है अब आर्च आरचपटा ये यहीं से राइज होते हैं और इधर से ये ब्रांच पास हो रहे है, है ना कॉमन कैल्टिड आर्ट्री प्लस ये आ गया इधर क्या है ये तो एक जलेरी आर्टरी अब एक जिलेरी आरटी मैंने दूसरे स्लाइड में डिस्कस किया है इससे पहले एक स्लाइड है उसमें डिस्कस किया है एक जिलेरी आर टी के बारे में तुम उस वीडियो को देख सकते हो नेक्स्ट आते हैं हम लोग फिर अब देखो यहाँ तक तुम तो आगे फिर देखो अब यहीं ब्रेकिअल प्लेक्स का पार्ट होता है सबसे पहले ऊपर क्या दिया हुआ रूट उसके बाद क्या दिया हुआ है ट्रंक ये रूट ट्रंक ये डिवीजन दिवी, एंड लेटरल पोस्टरियर एंड मीडियल क्या होगा कॉड होगा यही होते हैं कॉर्ड। अब फिर देखो यही कॉर्ड नीचे आएगा तो नर्व हो जाते हैं जो मैंने पहले बता चुका हूँ वन टू थ्री ठीक है ना नर्व नर्वर रेडियन नर्व एंड अन नर्व तो यही है वो नर्व जो हम लोग को ये अपलिंग में सप्लाई होते हैं फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट साइड में ब्रेकिर प्लेक्स प्रोसीड थ्रू द नेक द एगजिला है ना एंड इन टू द आर्म ठीक है मतलब ये ब्रेकियल प्लेक्स जो होते हैं ये स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं थ्रू द नेक एंड उसके बाद एक जिला में उसके बाद क्या आएगा ये आर्म के अंदर आते हैं इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नर्व पासिंग थ्रू द सर्वाइको एक् कैनाल है ना सर्वाइको एक् कैनाल मतलब सर्वाइकल टू एलरी रीजन के बीच में कैनाल होते हैं जो मैंने कल बताया था अपैक्स अब मैं बता दूँ फिर से आपको अपेक्स ये वाले पोर्शन जो हुआ ये ये डायग्राम मैंने बनाया अब इसी टाइप के पिरामिड लाइक क्या होते हैं एक जिला अब एक जिला में इस पोर्शन में यहीं पे होते हैं एक फोरा लाइक तो इसको बोलेंगे अपर क्या होता है सर्वाइकल रीजन यहाँ पे नेक होगा तो सर्वाइकल रीजन और इधर क्या होगा ये एक जिला तो सर्वाइको अपर ये सर्वाइको एग्जरी रीजन है ना सर्वाइको एग्जरी रीजन तो इसी के थ्रू पास होते हैं ये, ये ब्रेकअल प्लेक्स अच्छा कैनाल इसी को बोलते हैं सर्वाइको एग्जरी कैनाल टू रिच एगजिला एक, एक जिला को रिच मतलब धनसेट बनाता मतलब उसको पूरे सप्लाई करता है एंड इनर वेट द ब्रेकियम ठीक है ना अपर आर्म जिसको अपर आर्म बोलते हैं एंड एंटी ब्रेकियम फॉर आर्म ठीक है एंड हैंड मैंने बताया ना अपर आर्म को फॉर आर्म को यही ये यह सप्लाई करता है अब फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में यहाँ पे देखो क्लियर डायग्राम दे दिया है अब सारे बाइको एक कैनाल का जो मैं डिस्कस कर रहा था तो यही कैनाल है ये ये कनाल है ना इसी को बोलते हैं सर्वाइको एक गली कनाल बिकॉज सर्वाइको रीजन इधर है एक जलरी रीजन इधर है तो इसको सर्वाइको एक जेलरी कनाल बोलेंगे ठीक है अब देखो इसमें ना, नाम दिखाया अब ये बिटवीन द टू मसल के बीच से पास होते मसल्स एंड ठीक है स्कलेंस नाम की मसल होते हैं उसी नाम उसी के बीच से पास होगा अब स्क्लिनस थ्री मसल होते हैं मैं उस पर डिस्कस करूंगा बाद में सबक्लेवियन आर्टरी भी है इधर दिख रहा है यहाँ पे सप्लेवियन आर्टरी जो मैंने बता चुका हूँ मीडियन नर्व है ठीक है क्लेविकल दिख रहा है इधर इधर क्लेविकल के जस्ट पोस्टिजर एक पोर्शन दिख रहा तो को रिक्वायर्ड सॉरी एक्रोमियन प्रोसेस है एंड हीयर यहाँ पे क्या है ये हेड ऑफ द ह्यूमरस ठीक है फिर येल्लो कलर का जो दिख रहा है ये पोर्शन ये यही है ब्रेकियल प्लेक्स तो एक के अंदर आते हैं ब्रेकियल प्लेक्स का कॉर्ड जो होते हैं ये चारों तरफ से हो जाएगा मतलब तीन साइड से हो जाते हैं और वहीं पे बीच में एक आर्टरी हो जाते हैं तो कल मैंने रिलेशन में बताया था अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो नेक्स्ट वाले जो वीडियो है मेरा उस पर आप जाकर देख सकते हो चलो एक नर्व सॉरी एक आर्टरी का जो वीडियो है उसका रिलेशन देख सकते हो तो वहाँ पर ये कन्फर्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट आते हैं हॉर्न इन द स्पाइनल कोड वही जो हॉर्न का मैं डिस्कस कर चुका हूँ एंटीरियर हॉर्न एंड पोस्टेरियर हॉर्न इन द स्पाइनल कोड द ग्रे मैटर इज प्रजेंट इन साइड एंड व्हाइट मैटर आई टू आर्ट्स आउटसाइड वेल इन द ब्रेन द डिस्ट्रीब्यूशन टू वाइस वायस वर्सा इन द स्पाइनल कोड है ना ग्रे मेटर इज प्रजेंट इन साइड एंड वाइट मीटर आई टू आउटसाइड ठीक है जो मैंने बता चुका हूँ कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ग्रे मीटर किधर होती है तो अंदर होते हैं उसके बाहर होता है क्या वाइट मीटर होता है मैंने बताया था इससे पहले स्लाइड में ये वाले स्लाइड में यहाँ पे हाँ इसमें ये अंदर वाले जो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ग्रे मीटर बाहर वाले वाइट मीटर तो इसी को बोल रहा हूँ वहाँ पर ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कोड मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड वही है ग्रे ग्रेमीटर इन स्पाइनल कोड प्रेजेंट बटरफ्लाई है ना दिख रहा था ग्रे मेटर बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम द विच सम प्रोजेक्शन लाइक हॉर्न ठीक है उसमें से जो प्रोजेक्शन निकल रहा है उसको हॉर्न आर सी टर्म ठीक है मतलब उसी को को हॉर्न बोलते हैं तो उसमें क्या था इंटीरियर हॉर्न मतलब इंटरल हॉर्न लेटरल हॉर्न ठीक है एंड डोर्सल पोस्टेरियर हॉर्न अब मैंने आपको वहाँ पे एक पॉइंट नहीं दिखाया था तो चलो मैं दिखा दूँ लेटरल हॉर्न नहीं दिखाया था मैंने तो आपको फिर से एक बार लेट्रल हॉर्न लेटरल हॉर्न सारे पोर्शन में नहीं प्रेजेंट होते हैं। बट कुछ कुछ पोर्शन में होते हैं ये इंटेरिया हॉर्न ये पोस्टेरिया हॉर्न यहाँ पे एक ट्यूबर का लाइक दिख रहा है उसको लेटरल हॉर्न बोलते हैं नेक्स्ट आते हैं तो फिर देखो अब यहाँ पर यही पोर्शन है ये ये भी क्या है वही चीज़ है अब उसी को क्लियर दिखा दिया यहाँ पर अपर वाले जो डायग्राम है ये बॉडी दिख रहा बॉडी से क्या है एक स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड को कट किया यहाँ पे ये यह दिख रहा है ये डायग्राम और इसको लार्ज टाइप का कर दिया तो ये दिख रहा है आपको समझ में आओ अब आ गया होगा अब ये डायग्राम फर्स्ट सबसे पहले ये है यहाँ कट किया तो ये दिखा ये इसको जूम किया तो फिर इसको ये दिखा तब यहीं पे मैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं है ना तो इसमें इंटेरियर एम आई ये है पोस्टेरियर एम आई ये हो गया क्योंकि बॉडी जो है हमारे क्या है ये पोस्टेरियर एम आई पोस्टेरियर रीजन दिख रहा तो इंटेरियर रीजन पॉसिबल है इसके आगे ही होगा है ना चलो नेक्स्ट आते हैं अब ये लोअर डायग्राम पे तो डोर्सल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न मतलब एंटेरियर हॉर्न एंड पोस्टेरियर हॉर्न अब यहीं से फाइबर निकल के पास होते हैं ऐसे एंड ऐसे ठीक है बट पास होते हैं बट यहाँ पे क्या होता है इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है ये एंटेरियरली से फाइबर पास हो रहा है रेड कलर का और इसमें आ गया और इधर सप्लाई हो रहा है प्लस इधर सप्लाई हो रहा है ये क्या है मसल फाइबर है ना ये स्क्लेटन मसल रहता है ज़्यादातर जो हैंड है अपर लिम है अपर लिम के अंदर स्क्लेटन मसल ही होते हैं टोटल तो उसको सप्लाई करते हैं ये वेंट्रल हॉर्न मोटर न्यूरॉन है ना तो यही जो पहले बोल रहा था ये कहाँ से इराइज होते हैं इंटेरियर हॉर्न से है ना सॉरी तो इंटेरियर हॉर्न से ये इराइज होते हैं जो उसमें मैंने बता चुका हूँ चलो हम लोग अभी इंस्टाग्राम से इंटेरियर हॉर्न यही है आगे वाले ये इंटेरियर हॉर्न इसी से इराइज होते हैं एंड हीयर पास हो जाते हैं चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अब यहाँ पर टर्म ऑफ टर्म टू डिफाइन गैंग्लिया गैंग्लिया क्या होते हैं मैंने गैंग्लिया भी बोला था तो कलेक्शन ऑफ नर्व सेल बॉडी इज कॉल्ड गैंग्लिया ठीक है इसको याद रखने वाली पॉइंट है क्योंकि पूछ सकते हैं कोई भी टीचर रेमाई रामू जो बोलते हैं इसको रामू को रेमाई बोलते हैं इस वाले नर्व वेन एग्जिस्ट फ्रॉम द वटिवरा ठीक है इट डिवाइड इंटू टू ब्रांच टर्म्ड एज उसी को रेमाई बोलते हैं जो इंटीरियर रेमाई प्राइमरी रेमस एंड डोर्सल प्राइमरी uh, रेमस नहीं तो डोर्सल नहीं तो वेंट्रल बोल सकते हो वेंट्रल इंटीरियर एंटेर इट इज ए वेंट्रल डिवीजन ऑफ स्पाइनल नर्व आउटसाइड द वे दर्टिवरा विच सप्लाई टू स्किन मसल्स एंड एंटेरियर बॉडी एंड डोर्सल डिवीजन जो होते सप्लाई टू स्किन एंड मसल ऑफ बैक ये जो डोर्सल डिवीजन जो था मैंने इंटेरियर तो दिखा दिया था बट डोर्सल था वो किसको सप्लाई करते स्किन एंड मसल प्लस बैक साइड को है ना तो डॉर्सल डिवीजन के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे बट अभी क्या कर रहे थे तो यहाँ पे आर टी डी सी बी अब आर टी डी सी बी याद रखने वाली चीज है आर टी डी सी बी ब्रिकियल प्लेक्स कंपरेज ऑफ द रूट ट्रंक डिविजन कॉर्ड एंडफेरल ब्रांच एनिमोनिक फॉर रिमेंबर द रीजन ऑफ द ब्रेके प्लेक्स इज रियल टेंजरस ड्रंक कॉल्ड बियर रियल टेंजरस ड्रंक कोल्ड बियर अब ये तो आप सभी याद रख सकते हो ये वाले लाइन है ना अब इसी से रियल मतलब रूट ट्रेंजरस मीनस ड्रंक्स वहीं से याद रखना है डी फॉर डिवीज़न सी फॉर कॉड एंड बी फॉर ब्रांच तो सबसे पहले क्या होते हैं ब्रेकिल प्लेक्स में रूट होता है उसके बाद ट्रंक होता है उसके बाद डिवीजन होता है उसके बाद कॉर्ड होते हैं उसके बाद ब्रांच होते हैं जो ब्रांच का नाम है रेडियल नर्व अल्नर नर्व एंड मीडियल नर्व और फिर नेक्स्ट साइड में देखो मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब देखो ये क्लियर डायग्राम तुम्हें यही मिल रहा अब इसी टाइप का ये ब्रेकिल प्लेक्स सीरियल में होता है तो सबसे पहले सी फाइव सी सिक्स सी सेवन सी एट एंड टी वन तो टोटल फाइव रूट है यहीं से ये एराइज होते हैं है ना क्या ब्रिक्स अब ये एराइज हुआ तो ये नेक्स्ट बढ़ता है आगे के तरफ थोड़ा सा जाएगा तो उसका नाम उसके उस पोर्शन पर हो जाते हैं अपर ट्रंक मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक अब ये ट्रंक हो गया यही ट्रंक थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो इसका नाम हो जाते हैं इंटेरियर डिवीज़न पोस्टेरियर डिवीज़न है ना फिर पोस्टेरियर डिवीजन एंड इंटेरियर डिवीज़न ये बन जाते हैं फिर ले उसके बाद इसके बाद यही नर्व पास होते हैं आगे की तरफ तो इसका नाम हो जाता है लेटरल कॉर्ड पोस्टीरियर कॉर्ड मीडियल कॉर्ड तो यही कॉर्ड जो होते हैं एक जल्दी आर्टरी के राउंड में प्रजेंट होता है ठीक है अब इसी कॉर्ड से तुम्हें नर्व फाइबर निकलते हैं जिसका नाम है मस्किलो नर्व मीडियन नर्व एग्रेदी नर्व रेडियल नर्व एंड अलर नर्व यही है मेन ब्रेकियल प्लेक्स अब देखो ब्रेकियड प्लेक्स अगर तुम्हें इस टाइप से याद नहीं होती है ये तो बहुत ईजी डा, डायग्राम है अगर नहीं होती है तो तुम दूसरे टाइप के डायग्राम में इस स्लाइड में बताऊँगा एनाटोमी ऑफ आरडी टी वही रूट बिटवीन द एंटीरियर मीडियल स्क्नस मसल रूट बोल रहा है एंटीरियर एंड मिडल स्क्नस मसल के थ्रू पास होते हैं ट्रंक ये पोस्ट्रिय टेंगल ऑफ नेक वहीं मैं बता रहा था पोस्ट्रेट एगल को डेक्स करेंगे तो यहीं से निकलेगा मतलब उधर ही प्रजेंट है ट्रंक डिवीजन पोस्टरियर बिहाइंड क्लेविकल ठीक है फाउंड इन जिला है ना जो मैंने एक जिला में बताया था आर्ट आर्ट्री आर्ट्री के अराउंड में होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलेशनशिप आर्टरी ब्रांच द फाइव मेन ब्रांच फाइव मेन नर्व फाइबर इन द आर्म ठीक है अब यहाँ देखो ये एक जिला को डाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा रिफ्लेक्स का जो कॉर्ड दिख रहा है वाइट वाइट कलर का है ना ये एक जडी आर्टरी इसी में दिख रहा अब तो क्वाड नर्व फाइबर इसी में दिखेगा रियल में जो होते हैं फर्स्ट डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है ये वाले डायग्राम यहाँ पे तो देखो ये रियल में ब्रेक ब्रिक्लेक्स इसी टाइप के होते हैं अगर मसल निकाल दिया जाए तो नर्व फाइबर ऐसे ही होते हैं फिर यहाँ पे अगर बॉडी को डाइट करना है तो यहाँ से तुम कर सकते हो यहाँ से निकाल सकते हो आ नहीं तो ये वाले स्टोरी तो हम लोग जान ही चुके हैं है ना मसल को सप्लाई हो रहा है इधर इधर क्या इधर भी मसल को ये इंटीरियर एम से पास हो रहा और ये पोस्टेरियर एम से पास हो रहा तो इसकी स्टोरी हो गया है पहले हम लोग पढ़ चुके हैं चलो फॉर्मेशन ऑफ रोट ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्स द रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्स कम्स फ्रॉम ब्रांच ऑफ स्पाइनल वर्टिब्रल C5 फाइव टू एटी एट एंड एटी वन ठीक है ये तो ओरिजिनेट एरिया हो गया द सर्वाइकल रूट अब बोल रहा है सरवाइकल रूट C5 फाइव एंड सी सिक्स होते हैं ये फ्यूज हो जाते हैं टुगेदर टू फॉर्म द अपर ट्रंक है ना ये स्टोरी इसका बता रहा यहाँ पे सी फाइव सी सिक्स है ना ये फ्यूज होते हो जाते अपर ट्रंक में यहाँ पे अपर ट्रंक लिखा हुआ है उसमें सी फाइव एंड सी सिक्स ये फ्यूज हो गया अपर ट्रंक में फिर बोल रहा है टू गेट टू फॉर्म द अपर ट्रंक द सर्वाइकल रूट सी फाइव सी सिक्स सॉरी सी सेवन एंड बिकम द मिडिल ट्रंक वहीं बोल रहा है उस डायग्राम को देखो और इसको पढ़ो सेम ही है द सर्वाइकल रूट सी फाइव एंड टी वन फ्यूज टुगेडर टू फॉर्म द लोअर ट्रंक तो अपर ट्रंक मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं द ट्रंक डिवीजन ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्स देर आर थ्री ट्रंक ब्रेकियल प्लेक्स दैट लाई इन पोस्टोरियर नेक ट्रेंगल्स इच ट्रंक साइड एंटीरियर डिवीजन पोस्टेरियर डिवीजन एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर मिडिल एंड लोअर ट्रंक पोस्टेरियर डिवीजन ऑफ अपर मिडिल एंड लोअर ट्रंक दिस सिक्स डिवीजन फर्दर दूनिट्स टू फॉर्म द कॉड एक बार इस डायग्राम में जाने की जरूरत है आप देखो अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक से ये क्या क्या फॉर्म होता है तो इंटेरियर डिवीज़न एंड मिडिल ट्रंक प्लस लोअर ट्रंक से क्या फॉर्म होता है तो ये पोस्टीरियर डिवीज़न एंड एक अपर ट्रंक से भी पोस्टीरियर डिवीज़न आते हैं है ना बट यहाँ पे अपर एंड मिडिल ट्रंक से ओनली इंटेरियर डिवीज़न एंड पोस्टीरियर डिवीज़न जो होते हैं ये अपर ट्रंक मिडिल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक से फॉर्म होते हैं है ना ये डिवीजन हो गया अब कॉर्ड पे आते हैं थ्री कॉर्ड है तो थ्री कॉर्ड किधर से फॉर्म होते हैं तो अपर सॉरी लेटरल कॉर्ड लेटरल कॉर्ड कहाँ से फॉर्म होगा तो ये इंटीरियर डिवीजन से फॉर्म होते हैं पोस्टेरियर कॉर्ड किधर से फॉर्म फॉर्मगा तो पोस्टेरियर डिवीजन से फॉर्म होते हैं बट मिडिल कॉर्ड किधर से फॉर्म फॉर्मगा तो डायरेक्ट ये लोअर ट्रंक से फॉर्म होते हैं ये याद रखने वाले आपको फिर नेक्स्ट बता दूँ आपको यहाँ पे मस्किलो किटेनियस नर्व डायरेक्ट किधर से पास होते हैं किधर से आते हैं किधर से ऑरिजिनेट होते हैं तो लेटरल कॉर्ड से बट मीडियल नर्व किधर से आएगा तो मीडियल कॉर्ड एंड लेटर कॉर्ड से आते हैं ये याद रखो ठीक है फिर एगेरी एंड रेडियल यहाँ पे क्या है नर्व है तो ये दोनों नर्व किधर से आते हैं तो पोस्टेरियल कॉर्ड से आते हैं डायरेक्ट फिर क्या ये अलना नर्व तो अल्ना नर्व मीडियल कॉर्ड से आएगा तो इसी को वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है वन बाई वन आप उसको भी पढ़ के समझ सकते हो इसको भी नहीं तो ये भी पॉइंट वही है नेक्स्ट स्लाइड आते हैं हम लोग द डिजन कॉर्ड ऑफ प्लेट दैट देर आर टू डिजीन ब्रेकेट प्लेक्स टूकल टू क्लेविकल दिस टू गो फॉम कॉर्ड ऑफ द प्लेट्स एंड दिवीजन ऑफ पर टू ऑन लेटर कॉर्ड वही बात है जो उस डायग्राम को आप देख लो इस डायग्राम को देख लो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ये डायग्राम बहुत अच्छा बना दिया है किधर किधर से फॉर्म होते हैं किससे किससे बनते हैं डायरेक्ट मैंने आपको इस एक्स को एक्सप्लेन कर दिया अगर नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते कॉमेंट करके मैं फिर से इस बार इस डायग्राम को इसको मैं समझा दूँगा तो चलो

सप्लाई इंफ्रा या सुप्राइस माइनरी ये थोड़ा डिटेल में हो गया इसके लिए मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ इसमें होगा तो दिखाऊंगा जरूर ब्रांच एंड है रूट ब्रांच पे डिक्स करते डायरेक्ट एंड रूट पे तो लेटरल कॉर्ड मीडियल कॉर्ड पोस्टर कॉर्ड है ना अब लेटरल कॉर्ड के कौन से ब्रांच हैं मसलो किटूनियस नर्व सी फाइव सी सेवन से आते हैं लेटरल हेड ऑफ मीडियन नर्व सी फाइव टू सी सेवन से आते हैं लेटरल कॉर्ड से मीडियन कॉर्ड इसका ब्रांच कितने होते हैं मीडियल इंटेरियर थोड़े सिक नर्व सी सी एट टू टी वन एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म सी ए टू टी वन ये याद रखने वाली पॉइंट है ये याद नहीं है तो आप उस पॉइंट को याद रख सकते हो जो मैंने डायग्राम दिखाया था उससे आप पढ़ सकते हो उस टाइप के डायग्राम बनाओ अपने कॉपी पे और उसको अच्छे से रट्टा मार लो समझ लो तो याद हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट वही हैं उसी को ये सब लिख रहा मीडियम मीडियम क्यूटेनियस नर्व ऑफ फॉर आर्म ये सी ए टू टी वन से आते हैं ठीक है अलना नर्व सी फाइव सॉरी अलना नर्व जो है तो ये सी सेवन टू टी वन अब चलो मैं ऑलना भी क्या डिस्कस कर लूँ ठीक है तो क्या बोल रहे है यहाँ पे सी सेवन टू टी वन से ये आ रहा है अब चलो उस डायग्राम में चलते हैं हम लोग ठीक है ऑलना नर्व सी सेवन टू टी वन सी सेवन टू टी वन अल नर्व सी सेवन कहाँ पे है ये है टी वन कहाँ पे है ये है अब देखो ये ऐसे पास हुआ यहाँ तक ये भी ऐसे 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 इधर पास हुआ हुआ ना अच्छा ये फिर इधर पास हुआ फिर इधर आया है ना फिर इसमें मिक्स हो गया तो फिर ये दोनों लेकर चला गया इधर अब यहीं आ गया इधर यहाँ पे ये अब फिर इधर से आ गया इधर है ना तो हम लोग औलना नर्व कहाँ से पास होते हैं औना नर्व किधर से पास होते हैं तो सी से एंड टी वन इसका रूट है उसी टाइप से है अदर डायग्राम भी जो इसमें देखोगे तो वैसे लिखा हुआ है ये ये जो इसमें सी से टू टी वन मान लिया मीडियन हेड ऑफ मीडियन नर्व सी ए टू टी वन वैसे जाकर देखो और इसको भी देखो तो आप क्लियर समझ जाओगे नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोस्टेरियर कॉन तो सब इसके पुलर नर्व अपर लोअर एंड C5 C7 थोरेको सेवनो नर्व C5 फाइव टू सी एट एग्री नर्व सी फाइव टू सी सिक्सियल नर्व सी फाइव टू सी एट ये रूट वैल्यू है रूट वैल्यू को अक्सर याद रखा जाता है बिकॉज नर्व का नाम जब बताओगे आप एग्जाम टाइम में तब आपसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसका रूट वैल्यू क्या है ठीक है तो ब्रेकिर प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपर लिम के एग्जाम में और अक्सर अपर लिम के एग्जाम में ब्रेकिर प्लेक्स ही पूछा जाता है आपसे इसलिए मैं ये वीडियो आपको आपके लिए मैं बना रहा हूँ चलो अब ये डायग्राम देखो कितना ईजी है बहुत ईजी मैं क्या बताऊँ अब इसी डायग्राम को याद कर लो और इसी को बना लेना एग्ज़ाम में भी इसको रट भी लो तो भी क्लियर आपका कॉन्सेप्ट वही चीज़ है देखो मैंने पहले क्या बताया था अरना नर्व का रूट वैल्यू क्या है तो सी से एंड

डायग्राम को याद कर लो और यही डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है देखो कितना ईजी भी है ओनली थ्री लाइन देना है एक लाइन दो लाइन थ्री लाइन उसको इस टाइप से ऐसे ऐसे कर दो है ना एक लाइन को रहने दो ऐसे एक नीचे वाले को ऊपर वाले को इस टाइप से कर दो उसके बाद यहाँ से दो ब्रांच इधर 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 से दो ब्रांच सब में से दो दो ब्रांच निकाल दो और नाम देख लो कैसा है मसलूट मीडियन रेडियल एंड ऑलर बीच में जो है ये पोर्शन इसको क्या लेटरल कॉर्ड पोस्टीरियर कॉर्ड मीडियन कॉर्ड है ना ये डिवीज़न हो गया इस रूट वाले तो इसको डिवीज़न बोल दो ऊपर वाले जाके यहाँ पर कट कर देना है ठीक है अपर वाले पार्ट में सुप्रियर ट्रंक मिडिल ट्रंक एंड इंफीरियर ट्रंक यहाँ पे है. रूट आपका इधर हो गया ये वाले पोर्शन ठीक है तो इस टाइप से इस डायग्राम को याद रखते हो तो बहुत ये इजी है आप इसी को ब्रांच हो गया तो ये सब ब्रांच है तो आपको इस डायग्राम से एग्जाम में लिख सकते हो बाकी याद भी कर सकते हो चलो नेक्स्ट डायग्राम लिखते हो ये वाले डायग्राम ठीक है अब ये वाले डायग्राम जो है बच्चे ये ही मेन डाइग्राम होते ये भी सेम ही है देख लो ऊपर कट किया हुआ है है ना ऊपर ऐसा और ऐसा कट है नीचे नहीं कट है बट आगे जाकर यहीं डिवीजन हो जाते हैं वन टू ऐसे इधर भी इधर इधर से एक आएगा एक इधर आएगा बाकी और सब ब्रांच दिया हुआ है तो इस डायग्राम को आप इसको भी याद रख सकते हो नहीं तो ये भी याद रख रखते रियल में ऐसे डायग्राम होते बॉडी में बट ये याद है तो ये भी प्लस नहीं तो वो भी उसका जो ब्रांच है सब इसमें दिया हुआ है तो ये वीडियो आज से यहीं तक है ठीक है अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले क्योंकि मैं अक्सर न्यू वीडियो डालते रहता हूं तो ताकि आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और किसी भी कोई भी क्वेश्चन है आपको इस वीडियो से रिलेटिव तो कमेंट जरूर करें और हमसे पूछे क्वेश्चन मैं आपको बेहिचक जवाब दूंगा उसका उसको यहाँ तक कि वीडियो में के अंदर बता कर समझा कर आंसर दूंगा ठीक है तब तो तक के लिए धन्यवाद थैंक यू